हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 3.5। अ ट्रेन ट्रेवल्स 25% फास्टर देन अ कार। बोथ ट्रेवल बिटवीन ए एंड बी विच आर 120 किलोमीटर अपार्ट। बोथ स्टार्ट फ्रॉम ए, एक पॉइंट है ए, एट द सेम टाइम एंड रीचेज अ पॉइंट बी एट द सेम टाइम। हाउएवर ट्रेन लॉस्ट अबाउट 18 मिनट्स वाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। तो ट्रेन की जो स्पीड है कार की स्पीड से 25% फास्टर है। दोनों एक पॉइंट ए से चल रहे हैं एंड मूव कर रहे हैं बी की तरफ, और दोनों को सेम टाइम लगता है। सेम टाइम क्यों लगता है? क्योंकि जो स्पीड है ट्रेन की वो तो ज़्यादा है, बट टाइम सेम क्यों लग रहा है? बिकॉज ट्रेन क्या कर रही है, इट इज़ स्टॉपिंग एट द स्टेशंस, और वो 18 मिनट्स के लिए स्टॉप हो गई। तो इसका मतलब उसका एक्चुअल रनिंग टाइम कितना हुआ, रनिंग टाइम जो भी हुआ उसमें से 18 मिनट्स कम हो गया है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्पीड ऑफ कार इज एस, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 25% फास्टर, दैट इज 5/4 ऑफ एस। दोनों का डिस्टेंस कवर्ड सेम है, डी है। तो डिस्टेंस कवर्ड तो होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अगर हम कार के देखें तो कार का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। और अगर बात करें ट्रेन की तो स्पीड तो हो गई 5/4 ऑफ एस, और टाइम कितना लिया उसने, T-3/10, क्योंकि 18 मिनट्स तो रुक गई है ना, और 18 मिनट्स का मतलब कितने आवर्स हो गए, तो 18/60, दैट इज इक्वल टू 3/10 आवर्स। तो 3/10 आवर्स उसने कम लिए टी टाइम से। तो स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस सेम था, तो स्पीड ऑफ कार इंटू टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू टाइम टेकन बाय ट्रेन। तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया, एस तो कैंसिल हो गया, टी में इक्वेशन रह गई, तो टी को हमने सॉल्व किया, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1 आवर 30 मिनट्स। तो स्पीड ऑफ कार कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ कार, स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो कार ने 120 ट्रेवल किया किलोमीटर्स, और उसका टाइम था 3/2 1 आवर 30 मिनट्स, तो ये आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, दैट इज 5/4 ऑफ एस, तो 5/4 ऑफ 80, दैट इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन हैज टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स इन 45 मिनट्स। ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टोटल टाइम। What should be his speed to cover the remaining distance? तो total distance जो उसने cover करना है, total distance, वो तो distance है उसके पास 8 kilometers, और कितने में cover करना है total distance, 45 minutes में, 45 minutes में इतना distance cover करना है, that is 8 kilometers। तो half the distance cover करने में उसने 2/3 of 45 minutes लगा दिए। तो अब ये देखना है कि जो आधा distance बचा हुआ है, that is 4 kilometers, तो वो 4 kilometers किस स्पीड से करेगा, सो दैट ही कैन ट्रेवल इन 45 मिनट्स। तो ठीक है, गिवन डिस्टेंस है डी, टोटल डिस्टेंस है डी, दैट इज 8 किलोमीटर्स, तो आधी डिस्टेंस कवर की इन 2/3 ऑफ द टाइम, 2/3 ऑफ टोटल टाइम, टोटल टाइम है 45 मिनट्स, तो टाइम हो गया 30 मिनट्स। तो दैट मीन्स 4 किलोमीटर्स, तो 4 किलोमीटर तो कितने में कवर कर चुका है, 4 किलोमीटर 30 मिनट्स में कवर कर चुका है। अब बचा कितना, 4 किलोमीटर बच गया, वो उसे कितने में कवर करना है, कितने टाइम में, तो 45 - 30, दैट मीन्स 15 मिनट्स में कवर करना है। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए उसकी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर्स, और टाइम कितना है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स का मतलब कितने आवर्स हो गए, 15/60, दैट इज 1/4 ऑफ आवर। तो 4/1/4, दैट इज इक्वल टू 4 × 4, and that is equal to 16 kilometer per hour, and this is the answer। Questions को आप दो बार read करें, एक बार हो सकता है समझ में ना आए, कहीं पर issue हो कोई, तो exactly clarify कर लें कि उसने information दे क्या रखी है, तो उस information को use करके हम अपना answer निकालें, तो that will be better। Question number 15, a car travels first 180 kilometers at 80 kilometer per hour एंड नेक्स्ट 180 किलोमीटर एट 70 किलोमीटर पर आर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो ये तो कुछ ऐसा हो गया कि एक कार ने ट्रेवल किया
अ डिस्टेंस 180 किलोमीटर अवे और बैक आ गई कार फ्रॉम बी टू ए एट सम स्पीड. तो ए से बी जाने की तो जो डिस्टेंस है जो स्पीड है दैट इज 80 और बी से ए वापस आने की दैट इज 70. तो फाइंड हिज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला मालूम है वो क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई. तो x तो हमारे पास स्पीड हो गया 80, y स्पीड हो गया 70. तो हमने सीधे सीधा फॉर्मूला पुट कर दिया 2xy अपॉन x प्लस वाई. सो 2 इंटू 80 इंटू 70 अपॉन x प्लस वाई, ये आंसर आ जाता है 80 प्लस 70 दैट इज 150. इसे हमने सॉल्व किया तो हमारी एवरेज स्पीड आ गई 74.67 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द आंसर. तो जब हमारे पास एम सी क्यूज हों और हमें डायरेक्ट आंसर्स निकालने हों तो हम सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा लेंदी हो जाता, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है. तो दिस फॉर्मूला शुड बी नोन, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, कई लोग करते क्या है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए 80 प्लस 70 बाई 2 75 निकाल देंगे, दैट इज़ रॉन्ग. सो आर फॉर्मूला शुड बी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई, अगर डिस्टेंस सेम है दोनों तरफ से आने की और जाने की. क्वेश्चन नंबर 16, मनीष गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस, गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक टू हिज हाउस एट 2 किलोमीटर पर आवर. इफ इट टेक्स 50 मिनट्स इन गोइंग टू द ऑफिस एंड रिटर्न बैक टू हिज हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस. तो टोटल टाइम कितना लगा उसे, टाइम जाने में लगा ऑफिस तक और टाइम आने में लगा. जाने में टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज स्पीड थी जाते हुए 3 किलोमीटर पर आवर. और आने में टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस थी डी और स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर. और टोटल टाइम में कितना दे रखा है, 50 मिनट्स. 50 मिनट्स का मतलब 5/6 आवर्स. तो पुट कर दिया इक्वेशन में, 5/6 इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने ऐड किया, एलसीएम लिया, एलसीएम 6 आ गया, न्यूमरेटर आ गया 5d, तो d इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो यहां से हमने d निकाल लिया 1 किलोमीटर. दैट मींस द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस इज d एंड दैट इज 1 किलोमीटर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 56 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक फ्रॉम बी टू ए बाई डिक्रीजिंग हिज स्पीड बाई 25 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड. तो हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला वो तो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई. तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है, सेम फॉर्मूला. तो हम पहले ये स्पीड निकाल लें क्योंकि उसने 75% स्पीड को डिक्रीज कर दिया है व्हेन ही इज कमिंग बैक. तो 25% का मतलब 3/4 कर दिया ओरिजिनल स्पीड का. तो 3/4 ऑफ 56 दैट इज इक्वल टू 42. तो जाने की स्पीड 56, आने की स्पीड 42, तो एवरेज स्पीड इज 2 इंटू 56 इंटू 42 अपॉन, दोनों स्पीड्स को हम ऐड करेंगे, 56 प्लस 42. तो हमारे पास रिजल्ट आ जाने वाला है एंड द रिजल्ट इज 48 किलोमीटर पर आवर, ये उसका एवरेज स्पीड हुआ. तो दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 15. तो प्रैक्टिस है ये. तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, अ मैन राइड्स एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स एंड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, फाइंड हिज एवरेज स्पीड. तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया हम देखते हैं यहाँ पे. तो टोटल टोटल डिस्टेंस हुआ, फर्स्ट 3 आवर्स में उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, तो कितना डिस्टेंस हो गया, 40 इंटू 3 दैट इज ओवर हेयर, प्लस नेक्स्ट 3 आवर्स में उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, तो ये हो गया 60 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 180. तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर चुका है वो तो 120 प्लस 180 दैट इज 300 किलोमीटर. और 300 किलोमीटर जाने में उसे टाइम कितना लग रहा है, इट इज 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स दैट इज इक्वल टू 6 आवर्स. तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट एज 50 किलोमीटर पर आर. क्वेश्चन नंबर 19, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस एक्स एंड वाई इज 520 किलोमीटर्स. अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम एक्स एट 9 am
ट्रेवल टूवर्ड्स वाई एट 70 किलोमीटर पर आवर. एनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम वाई एट 10 AM ट्रेवल टूवर्ड्स एक्स एट 80 किलोमीटर पर आवर. वट टाइम विल दे द ट्रेन्स मीट, एट वट टाइम विल द ट्रेन्स मीट. तो जो ट्रेन है, ट्रेन रन कर रही है एट 9 AM एक ट्रेन स्टार्ट हुई फ्रॉम एक्स, दैट इज एट 70 किलोमीटर पर आवर, एंड ट्रेन फ्रॉम वाई एट 10 किलोमीटर पर आवर. इन दोनों की स्पीड एट फ्रॉम एट 10 AM एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. तो इसका स्पीड तो 80 दिया हुआ है और यहाँ से स्पीड दिया हुआ है 70. तो वो ट्रेन्स किस टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो पहले तो हम इनका टाइम एक बार एडजस्ट कर लेते हैं. जब जो ट्रेन नेक्स्ट से चली है वो 9 बजे चली है और उसका स्पीड है 70, तो 10 बजे वो कहाँ पे होगी, 70 किलोमीटर्स आगे आ चुकी होगी. तो हमारे पास अब डिस्टेंस 10 बजे कितना डिस्टेंस रह गया, दैट इज 450. 520 में से हमने माइनस कर दिया 70, दैट इज इक्वल टू 450. तो टाइम एट वॉट एट टाइम वेन दे विल क्रॉस ईच अदर इज टोटल डिस्टेंस जो उन्हें ट्रेवल करना है अपॉन रिलेटिव स्पीड. अब इन दोनों का डिस्टेंस जो हमारी स्पीड है, दैट मीन्स दे आर कमिंग ऑपोजिट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो हमारे पास इसका स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड, दैट विल बी 70 प्लस 80 एंड दैट इज इक्वल टू 150. तो टाइम हो गया हमारे पास 450 अपॉन 150, दैट इज इक्वल टू 3 आवर्स. तो 10 बजे के 3 घंटे बाद वो दोनों ट्रेन्स मिलेंगी, दैट मीन्स एट 1 PM दे विल मीट. तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा टाइम दें, बट इट इज ईजी. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20. टू पर्सन्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस राइडिंग इन द सेम डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स दे विल बी 30 किलोमीटर अपार्ट. तो जो रिलेटिव स्पीड है दोनों की, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 5 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स एक आदमी दूसरे से 5 किलोमीटर पर आवर तेज चल रहा है, और 30 किलोमीटर पर आवर मीन्स अपार्ट मीन्स 6 आवर्स. क्यों, क्योंकि एक घंटे में इन 1 आवर दे आर हाउ मच अपार्ट, यहां पर लिखा हुआ है इन 1 आवर दे आर 5 किलोमीटर अपार्ट. सो 30 किलोमीटर अपार्ट कब होंगे वो, तो सिंपल सा लॉजिक है, 5 किलोमीटर इन 1 आवर, तो 30 किलोमीटर इन 6 आवर्स. तो दैट मीन्स दे विल बी अपार्ट. क्वेश्चन नंबर 20. टू पर्सन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम प्लेस राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे बी 30 किलोमीटर अपार्ट. तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर. तो इसका मतलब 1 आवर में जो डिस्टेंस होती है दोनों के बीच में, दैट इज 5 किलोमीटर. तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाती है इन 1 आवर, और अगर 30 किलोमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस है, डिफरेंस है, तो कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी 6 आवर्स. सिंपल यूनिटरी मेथड. तो आफ्टर 6 आवर्स दे विल बी 30 किलोमीटर अपार्ट. तो आफ्टर 6 आवर्स दे आर 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दिस इज द आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21. अ गुड्स ट्रेन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर crosses the platform 120 meters long in 15 seconds. Find the length of the goods train. तो प्लेटफॉर्म क्रॉस करने का मीनिंग ये हुआ कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगी, इट विल बी कवरिंग इट्स ओन डिस्टेंस, इट्स ओन लेंथ प्लस द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म. तो यही लॉजिक हमने यहाँ पे यूज किया क्वेश्चन में. तो पहले तो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है 120 मीटर लॉन्ग, तो हम स्पीड को भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में. तो 72 किलोमीटर पर आवर मीन्स 72 इंटू 5 बाई 18, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड. तो हमें ये भी गिवन है कि 15 सेकंड्स में, ओके, अगर उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में वो 20 मीटर्स चलती है, तो
तो 15 सेकंड्स में कितने मीटर चलेगी, दैट विल बी 20 इंटू 15, सिंपल यूनिटरी मेथड, दैट इज इक्वल टू 300 मीटर्स। तो 300 मीटर्स जो डिस्टेंस चली वो 15 सेकंड्स में, उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस की हम बात करें दिस इज 300, बट हमें लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म तो मालूम है, दिस इज इक्वल टू 120। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो गया, 300 माइनस 120 एंड दैट इज इक्वल टू 180 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, टू ट्रेन्स रनिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, द लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन इज 120 मीटर एंड द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर इज 150 सेकेंड्स फ्रॉम द टाइम दे मीट, फाइंड द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। तो ये भी रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन है, तो रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, इट विल बी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो 54 माइनस 48 और ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, दैट मींस 5/3 मीटर्स पर सेकंड। इसको हम कैसे देख सकते हैं 5/3 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये हुआ 5 मीटर्स इन 3 सेकंड्स, थोड़ा सा ईज करने के लिए, ठीक है, 5 मीटर्स इन 3 सेकंड्स। तो यही हमने यहाँ पे लॉजिक यूज़ किया है, अगर 3 सेकंड्स में डिस्टेंस कवर्ड है 5 मीटर, तो 150 सेकंड्स में डिस्टेंस कवर कितना होगा, दैट विल बी 5 × 50, दैट इज इक्वल टू 250 मीटर्स। तो 150 सेकंड्स में 250 मीटर कवर किया, बट 250 मीटर्स का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस तो दोनों ट्रेन्स की डिस्टेंस मिला के है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 इज इक्वल टू 250। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 2 कितना हो गया, 250 माइनस 120, क्योंकि एक ट्रेन की तो हमें लेंथ गिवन है, दैट इज इक्वल टू 120। तो आंसर आ गया 130, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 140 एंड 110 मीटर आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, क्रॉस ईच अदर इन 6 सेकंड्स, इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 80, फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 140 प्लस 110 दैट इज इक्वल टू 250 मीटर्स, और टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में 6, और रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 250 अपॉन 6 मीटर्स पर सेकंड, और इसे हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज इंटू 18/5, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 150 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड आ गया। तो जो रिलेटिव स्पीड आया, तो स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 आ गया, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, एक ट्रेन की स्पीड हमें दे रखी है, दिस इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो इक्वेशन क्या बन गई, 150 इज इक्वल टू 80 प्लस S2 एंड S2 इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर रिजल्ट। तो अभी जो हम 3-4 क्वेश्चन हमने देखे, इन सब में हम क्या यूज कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ रिलेटिव स्पीड। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन रन्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्रेन टू द अदर एंड एट 10 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फाइंड द टाइम टेकन बाय मैन टू रीच द अदर एंड। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ मैन कितनी हो गई, इट इज 130 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, ट्रेन तो ऐसे और ये जो पर्सन है ये स्टार्टिंग से इस तरफ जा रहा है, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दैट इज 130 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो ये आ गया हमारे पास 130 इंटू 5/80 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब 650 मीटर इन 18 सेकंड्स। अब उसे चलना कितना है, उसे तो ट्रेन की लेंथ कवर करनी है, दैट इज 150, तो 650 मीटर इन 18 सेकंड्स, तो 150 मीटर्स इन हाउ मेनी सेकंड्स, अगेन अ केस ऑफ यूनिटरी मेथड, सो दैट इज 18 इंटू 150/650, दैट इज इक्वल टू 4.15 सेकंड्स। सो इतना टाइम लगेगा उसे ट्रेन को एंड तक पहुंचने में। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, टू ट्रेन्स 130 एंड 110 मीटर लॉन्ग इन लेंथ मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम, द फास्टर ट्रेन कंप्लीटली ओवरटेक्स द स्लोअर ट्रेन इन 15 सेकेंड्स, इफ द स्लोअर ट्रेन मूव्स एट हाफ इट्स स्पीड द ओवरटेकिंग वुड हैव टेकन 10 सेकेंड्स।
तो फाइंड ऑफ द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन मान लिया एक्स किलोमीटर पर आर, स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज वाई किलोमीटर पर आर. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 130 प्लस 110 दैट इज इक्वल टू 240 मीटर्स. केस वन, जो पहले केस दिया हुआ है, जब ये फास्टर ट्रेन कंप्लीटली ओवरटेक स्लोअर इन 15 सेकेंड्स, तो वाला हम केस ले रहे हैं. तो फास्टर ट्रेन ने स्लोअर स्पीड स्लोअर वाली ट्रेन को क्या किया, ओवरटेक कर दिया. तो हमारे पास, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड विल बी एक्स माइनस वाई. तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 240 अपॉन 15 इज इक्वल टू 16. तो ये हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ गई, ठीक है. और सेकेंड टाइम क्या हुआ, इफ द स्लोअर ट्रेन मूव्स एट हाफ इट स्पीड. अब जो स्लोअर ट्रेन है उसकी स्पीड और हाफ हो गई, y की y बाय टू हो गई, तो रिलेटिव स्पीड आ गई x माइनस वाई बाय टू. तो x माइनस वाई बाय टू, तो ये कितना आ गया, 240 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमने इसे ऑपरेट किया तो ये क्या आ गया, x माइनस वाई बाय टू इज इक्वल 24. तो यहाँ से y बाय टू की हम वैल्यू निकाल सकते हैं. ये दो इक्वेशंस आ गई बेसिकली हमारे पास. एक तो ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट वन, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, और सेकेंड इक्वेशन आ गई x माइनस हाफ वाई इज इक्वल टू 24. हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, फर्स्ट में से आप सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इट विल गिव यू, या सेकेंड में से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा, हाफ वाई इज इक्वल टू 8, तो वाई इज इक्वल टू 16 आ गया. तो यहाँ से हम x की स्पीड, x भी निकाल सकते हैं, तो x आ गया 16 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू y की वैल्यू, तो y की वैल्यू है 16, तो आंसर विल बी 16 प्लस 16 दैट इज 32. किलोमीटर पर आर नहीं होगा, ये मीटर पर सेकेंड होगा, बिकॉज सारी यूनिट्स तो हमारी मीटर पर सेकेंड में चल रही हैं, तो इट इज मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द आंसर. सो होपफुली क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, जस्ट रीड देम केयरफुली एंड ट्राई टू आंसर. It is easy exercise and you can do it very well. You can score marks. Thank you very much. Thank you for watching.